नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सभी के साथ रेणु भट्ट, और आप सभी देखने वालों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि ये क्लास 10 के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए हम सेशन लेकर आए हैं, और आज का हमारा शीर्षक है स्टैटिस्टिक्स पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आप वो सेशन दोबारा देखना चाहते हैं या फिर कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं सांख्यिकी को लेकर के, तो आप उस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा एक काम, यू हैव टू एक्सप्लोर आर यूट्यूब चैनल जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल, वहां पर जाकर आप इसका पार्ट वन देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, चलिए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर धीरेंद्र कुमार शुक्ला, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं RIE भोपाल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें और पार्ट टू पर ज़्यादा जानकारी लें स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसे हम सांख्यिकी भी कहते हैं, हम आपको बता दें वो जरिए जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो मैथ्स के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप बेझिझक अपनी सारी क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें करेंगे फ़ोन कॉल, हमारा टेलीफोन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in, और इन दोनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सभी सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमें आशा है कि आप हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो सर, हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेशन को शुरुआत करना चाहेंगे, और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पार्ट टू है सांख्यिकी भाग दो, तो भाग एक के थोड़ा सा ब्रीफ हम आपसे जानना चाहेंगे सर शुरुआत में। जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, एंड हिंदी में जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा कि पिछले पार्ट में हमने क्या किया, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सरल शब्द में बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी होता क्या है, क्योंकि आप क्लास 10th में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी आप कक्षा 9th में भी और दूसरी अर्ली क्लासेस में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। जब हम डेटा हैंडलिंग की बात करते हैं, जब हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की बात करते हैं, तो हम सांख्यिकी की जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सो स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर मैं उसे सरल शब्दों में कहूं, हिंदी में अगर मैं उसे समझाना चाहूं, तो सांख्यिकी वह माध्यम है जो डेटा के संग्रह, संगठन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम कई प्रकार के माध्यमों से जुड़ते हैं, कई प्रकार की व्यक्तियों से जुड़ते हैं, या किसी संस्था से जुड़ते हैं, या किसी कंपनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कक्षा है उसके बहुत सारे छात्र हैं, उनके हम प्राप्तांकों को लेकर चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार जब हम एक डेटा संग्रह करते हैं और उसके बारे में जब हम गणनाएं करते हैं, तो इस प्रकार की सभी गणनाएं सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स की श्रेणी में आती हैं। अगर मैं पिछली कक्षा की बात करूं, तो पिछली कक्षा में आपने मीन के बारे में पढ़ा है, जिसे हम माध्य भी कहते हैं। आज हम मोड और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मीन, मोड और मीडियन होते क्या है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मीन, मोड एंड मीडियन आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अगर हम मीन की बात करें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डेटा इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन रॉ फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो ये आप पिछली कक्षा में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, माध्य और उससे जुड़े जितनी भी उसकी विधियां हैं जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, उनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। और जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर जाकर के उसे सर्च करके जान सकते हैं। यहां पर मैंने एक बेसिक डिटेल शेयर करने की कोशिश की है कि जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक रॉ फॉर्म में डेटा मिलता है, और उसके बाद फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके हम क्लास बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं, और उसको हम फिर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका डेटा रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, और फिर अगर हम सबसे जो आपका मूलभूत सूत्र है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं मीन इज इक्वल टू एक्स बार। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड एज एक्स बार, एक्स के ऊपर जो डंडी लगी हुई है आड़ी, उसे हम बार पढ़ते हैं।
So this is the formula, sum of all observations divided by number of observations. यहाँ तक की बात थी जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं. आज हम बात करेंगे कि मोड क्या होता है. मोड को हम हिंदी में भौलक कहते हैं. तो मोड के बारे में हम किस प्रकार से चर्चा करेंगे. द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा दैट इज द ऑब्जर्वेशन विथ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ मोड ऑफ डेटा. यानी आपके पास एक विशेष प्रकार की जानकारी है, एक डेटा है. मान लीजिए किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और 50 छात्रों को अलग अलग प्रकार के नंबर प्राप्त हुए गणित में. तो अगर हम उनको काउंटिंग में रखेंगे कि हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति को 30 नंबर मिले हैं तो 30 नंबर और कितने बच्चों को मिले हैं, किसी को अगर 40 नंबर मिले हैं तो 40 और कितने लोगों को मिले हैं, तो हम ऐसे देखेंगे कि जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है यानी जिसकी आवृत्ति जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे हम मोड कहेंगे, उसे हम उस डेटा का मोड या बहुलक कहेंगे. तो इस प्रकार से हम मोड को समझते हैं. अब मोड को जो हम आगे कैलकुलेशन के पार्ट पर लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर दो केस बनते हैं. एक बनता है अनग्रुप्ड डेटा का और दूसरा बनता है ग्रुप्ड डेटा का. तो अनग्रुप्ड डेटा मतलब आपका वही रॉ फॉर्म मटेरियल है कि हमने सीधे डेटा कलेक्ट किया और फिर हम उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं. तो इस प्रकार हम तब करते हैं हमारे पास डेटा का जो साइज होता है वो छोटा होता है. मान लीजिए आपके 5, 8, 10, 15 इस प्रकार की छोटी काउंटिंग में डेटा है तो उसे हम बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं. तो इस स्थिति में हम अनग्रुप डेटा पद्धति का उपयोग करते हैं. तो उसको समझने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे. द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि कुछ अंक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में यही पता करना है कि कौन सा अंक यानी जो वहां पे विकेट लिए गए हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं. तो हम इसको सबसे पहले श्रेणीबद्ध तरीके से जमाएंगे, हम इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ विकेट्स. अब मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे जो न्यूनतम विकेट हो सकते हैं 0 और डेटा को देख के पता चल रहा है कि अधिकतम विकेट हो सकते हैं 6. तो सबसे पहले मैंने 0 से लेकर 6 तक लिखा और फिर देखा कि 0 कितनी बार आया है, 1 बार आया है. 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है. 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है. ऐसे ही करते हम 6 तक गए. तो आप टेबल में देख पा रहे हैं कि 2, 3 का जो पेयर है उसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है. क्यों किया है? क्लियरली 2 इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर दैट इज 3 ऑफ मैचेस. सो द मोड ऑफ दिस डेटा इज 2. यानी दो विकेट की स्थिति ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, यानी 3 मैच ऐसे थे जिसमें 2 बार विकेट लिए गए. तो हमारे पास जो 2 निकल कर आया वो नंबर ऑफ विकेट्स इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, मोड या बहुलक होगा. तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताया कि जो फ्रीक्वेंसी जो रिपीटिशन हमारे पास सबसे ज्यादा होता है उसके लिए हम पता करते हैं कि ये हमारे डेटा का मोड होगा या बहुलक होगा. अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की. तो हम ग्रुप डेटा को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे. व्हेन द डेटा इज कंटिन्यूअस द मोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड मॉडल क्लास दैट इज द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यानी हमने जब डेटा को रीअरेंज कर लिया, उसको हमने क्लासिफाइड कर लिया, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू है सबसे ज्यादा कहां पर है. जिस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं. और उसके बाद फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइंड मोड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं. मोड इज इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई एच. तो इस सूत्र की सहायता से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने यहां पर जो पॉइंट यूज किए हैं F0, F1, L, H, इनका अर्थ क्या है. तो अगर मैं L की बात करूं तो L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. जो हमारे पास मॉडल क्लास है, मान लीजिए हमारे पास मॉडल क्लास 20 से 30 मिली, तो 20 क्या है, क्लास की मिनिमम वैल्यू है यानी लोअर लिमिट है, तो उसे हम L से डिनोट करेंगे. अगर H की बात करें तो H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, एज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल. जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास हर इंटरवल का जो गैप है, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो सेम होना चाहिए.
अगर मैं 10-10 का गैप ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं शून्य से 10 तक जाऊंगा, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, यानी इस प्रकार से मैं 10-10 के गैप से चलूंगा। अगर मैं 5 का गैप ले रहा हूँ, मैं 5-5 के गैप से चलूंगा। तो इस प्रकार से हम इक्वल साइज के, इक्वल क्लास गैप इंटरवल के हम बनाते हैं। तो उस इंटरवल में जो गैप होता है उसे हम एच से डिनोट करते हैं। अगली बात आती है F1 की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जैसा कि मैंने कहा कि जिस क्लास में आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है उसको हम F1 कहेंगे। फिर F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जिस क्लास की आपको फ्रीक्वेंसी मिली है उसके ठीक ऊपर वाली। एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जिस क्लास में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली है उसके ठीक नीचे वाली। तो इस प्रकार से हम इसको F0, F1, F2, L और H को डिफाइन करते हैं। हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H वर्ग अंतराल की माप है, जहां पर हम यह मानते हैं कि सभी अंतराल बराबर माप के हैं, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, तथा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। इस प्रकार से हम इन सभी बिंदुओं को समझ सकते हैं। इसके पश्चात हम एक प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो आप यहां पर देखें कि जो डेटा हम टेबुलर फॉर्म में लेकर आए हैं, निश्चित तौर पे ये सबसे पहले जब हमने डेटा कलेक्ट किया होगा कि रॉ फॉर्म में रहा, लेकिन यहां पर चूंकि जब बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए हम उसमें देखते हैं कि इसमें सबसे छोटा डेटा कितना है और सबसे बड़ा डेटा कितना है। फिर उसके बाद हम अपनी सुविधा अनुसार एक अंतराल निश्चित करते हैं, 5, 10, 15 अंतराल हम कितना भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम डेटा को रीअरेंज करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के 30 स्टूडेंट्स का डेटा रहा होगा जिसे हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इंटरवल है हमारा 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, यानी 15 के अंतराल से हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप समझना चाहें कि अंतराल हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, तो आप किसी भी इंटरवल को ले लीजिए और उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका अंतराल होगा, यानी एच का मान होगा। जैसे कि अगर मैं 10 और 25 देखता हूं, 25 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो मुझे बचेगा 15, यानी 15 जो है यहां पर एच की वैल्यू है। अब यहां पर अगली बात आती है कि हम बहुलक का जो क्लास है वो हम कैसे पता करें। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 7 हैव गॉट मार्क्स इन द इंटरवल 40 to 55, द मॉडल क्लास इज 40 to 55। तो आप देखते हैं कि 2, 3, 7, 6, 6, 6 में से सबसे बड़ी संख्या कहां पर है, सबसे बड़ी संख्या है 7, जो कि 40 से 55 के अंतराल में आती है, यानी 40 से 55 का जो अंतराल है वो हमारे पास यहां पर मॉडल क्लास निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब वापस से मैंने इसी टेबल पर नेक्स्ट स्लाइड रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये सभी यहां पर इसके जो संबंधित मान है वो यहां पर हम देख सकते हैं। तो 40 से 55 का जो हमारा अंतराल है, तो हमने जैसे L के बारे में बात की, L क्या है, आपकी जो क्लास है, जो मॉडल क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, तो 40 और 55 में छोटा कौन है, 40, तो L की वैल्यू हो गई 40, यानी कि 40। अगर मैं साइज की बात करूं तो मैं उच्च सीमा और निम्न सीमा को आपस में घटा दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो है आपका H इज इक्वल टू 15। देन आती है आपकी फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस 40 से 55 के क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7। अब बात आती है F0 और F2 की, इसी में कई बार बच्चे गलती करते हैं। गलती इस प्रकार से करते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो टेबल है वो हमेशा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ही हो, यानी आपके पास ये आप क्या कहना चाहिए कि आप इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में हम इसे समझें। क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और वर्टिकल को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो कई बार होता है कि टेबल का अरेंजमेंट अलग तरीके से होता है। इसी टेबल को मैं इस प्रकार से ही बना सकता था कि मैं एक कॉलम में अंतराल लिखता और दूसरे कॉलम में मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखता, तो वो टेबल जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है, तो वो टेबल वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती, तो जो 3 है वो 7 के ऊपर लिखा होता और जो 6 है वो 7 के नीचे लिखा होता। तो जब हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो हम यही बताते हैं कि जो आपकी F1 वैल्यू है उसके ऊपर का मान और उसके नीचे का मान, जबकि यहां तो ऊपर नीचे कुछ है नहीं, क्योंकि यहां पर तो हमने इसको क्षैतिज रूप में लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। तो अब इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जो मान हम ऊपर की तरफ जा रहे थे उसको हम मान से बाएं
और जो मान हम नीचे की तरफ जा रहे थे उसको हम मान से दाएं की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जैसे कि द फ्रीक्वेंसी एफ जीरो ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो 40-55 के ठीक पहले का क्लास कौन सा है, 25-40, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 3, यानी 25 से 40 की जो वैल्यू है 3, वो आपके लिए एफ जीरो हो जाएगा। और इसी प्रकार से F2 क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, तो 40 से 55 का जो क्लास है उसके बाद वाली क्लास कौन सी है, 55 से 70 तक, 55 to 70, उसकी वैल्यू कितनी है यहां पर, 6। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 3 आपके पास F0 है, 7 F1 है और 6 आपका F2 है। L, R और H के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। अब ये सभी मान हमारे पास जो सूत्र दिया गया है उसमें हम पुट कर देंगे। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 40 प्लस अंडर ब्रैकेट 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 14 माइनस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो रिजल्ट मिला आपको 52। Hence, maximum number of students obtain 52 marks. यानी 30 बच्चों की एक कक्षा थी, उस कक्षा में हमने गणित की परीक्षा ली और उसके बाद उनको अंकों का विभाजन किया। तो जब अंकों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको हमने जब रिकलेक्ट किया, हमने उनसे रिपीटिशन देखा, तो हमने ये पाया कि जो 52 अंक प्राप्त हुए वो अधिकतम बच्चों को प्राप्त हुए। जो हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है उसका अर्थ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मोड या बहुलक की बात करते हैं तो हम उस आवृत्ति की बात करते हैं जिसके जो रिपीटिशन होता है वो सबसे ज्यादा बार होता है। अब हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेंड आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। यानी हमारे पास जो डेटा होता है, हम जब उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो उसका ठीक मध्यमान होता है उसे हम मीडियन कहते हैं, हिंदी में जिसे हम माध्यक कहते हैं। यहां पर फिर से दो केसेस आते हैं हमारे पास, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अनग्रुप डेटा की, सो स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2, लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन। अब यहाँ जो n मिलेगा हमें, ये इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, यानी एक सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर n एक विषम संख्या है, यानी कि एक ऑड नंबर है, इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टू nth ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी n का जो मान है वहां पर हम रखेंगे और उस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम काउंट करके पता कर लेंगे। अगर n एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, देन मीडियन क्या होगा, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो इस प्रकार से सम या विषम होने पर n के मान के आधार पर हम मीडियन को पता कर सकते हैं। अब इसे हम एक प्रश्न की सहायता से समझते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 56, 67, 54, 34, 78, 43 एंड 23। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके पास संख्याएं हैं एक व्यवस्थित क्रम में नहीं है, ना ही ये घटते क्रम में है ना ही ये बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसे एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर ही प्रेफर करते हैं, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे छोटा मान हमने सबसे पहले लिया 23, उसके बाद बढ़ते क्रम में हम गए तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मान है 78 और इनकी हमने संख्या प्राप्त की तो जो कि है n इक्वल टू 7। अब 7 को हम देख के जानते हैं कि ये एक ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है, तो इस स्थिति में हम जो सूत्र उपयोग करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो n की जगह हमने 7 पुट किया, 7 प्लस 1 बाय 2th पर्सन यानी 4th ऑब्जर्वेशन। तो अब मैं अपने डेटा पे जाऊंगा और 4th ऑब्जर्वेशन को काउंट करूंगा, तो 23 फर्स्ट, 34 सेकंड, 43 थर्ड एंड 54 इज फोर्थ। Hence, median of the data is 54. तो इस प्रकार से अगर हमारे पास n की वैल्यू odd है तो हम median पता कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। Find the median of the data 50, 67, 24, 34, 78 and 43। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं हैं उनकी जो कुल गिनती है वो है 6। यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 6, जो कि एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। इस स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है मीडियन इज इक्वल टू 6 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, प्लस 6 बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, 6 बाय 2 यानी 3, तो थर्ड प्लस फोर्थ।
तो वापस से हम अपने डेटा में जाएंगे, अगर हम थर्ड वैल्यू देखें तो वो है 43 और फोर्थ वैल्यू अगर देखें तो वह है 50। इसको हमने पुट किया, डिवाइड बाय 2 किया तो आप देख रहे हैं 46.5। तो या इस प्रश्न को लेने का एक उद्देश्य मेरा यह भी था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें मीडियम की जो वैल्यू मिलती है जब हम उसे निकाल के आते हैं तो हमारे डेटा में हमें कहीं नहीं दिख रही होती। देख यहां पर देख रहे हैं कि 46.5 एज अ नंबर आपको कहीं नहीं दिख रहा, वो 43 और 50 के बीच का एक नंबर है। तो इस बात को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप मीडियम निकाल रहे हैं तो ये कोई ऐसा निश्चित नहीं है और हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको डेटा आपको मिला हुआ है उसी में से एग्जैक्टली कोई एक नंबर आएगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में आया था। तो इस प्रकार से मीडियन ऑफ द डेटा इज 46.5। तो यहां पर आपने दो प्रकार के क्वेश्चन देखे, जहां पर एक बार एन सम था और एक बार एन विषम था, और ये बात हम कर रहे थे अनग्रुप्ड डेटा के बारे में। अब बात हम करते हैं केस टू ग्रुप्ड डेटा के बारे में। आफ्टर फाइंडिंग द मीडियन क्लास वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ को हम कहते हैं कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, डिवाइडेड बाई एफ एंड होल मल्टीप्लाइड बाई एच। यहां पर हम इनके आपसे समझ लेते हैं, हम ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे। सर यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास तकरीबन 5 मिनट का समय और शेष है सेशन के लिए। सर यस मैडम, तो अगर हम देखें कि L क्या है, तो L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हिंदी में कहते हैं माध्यमिक वर्ग की निम्न सीमा। M है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षकों की संख्या, और उसके बाद सी एफ है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, एफ है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच है आपका क्लास साइज। ठीक चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी है, आप उन्हें यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम में ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जिन्हें 10-10 के इंटरवल से बनाया गया है, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसे हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, और थर्ड कॉलम आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम सीएफ कहते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हर आने वाली वैल्यू को हम पिछली वैल्यू में जोड़ देते हैं। जैसे 5 ठीक एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 में 3 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में उसके नीचे 4 जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसी प्रकार से हम जोड़ते जाते हैं। तो एफ के कॉलम का जो टोटल सम होता है वो सीएफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू। इस प्रकार से आप सीएफ को पता कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस प्रश्न के बारे में समझेंगे कि हमारे पास एक सूत्र था, उस सूत्र से संबंधित हमें कुछ जानकारियां चाहिए, तो हमें n by 2 की वैल्यू चाहिए। तो n by 2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के जितने भी मान हैं सभी को योग करेंगे और 2 से हम भाग कर देंगे। तो सभी मानों को हमने लिखा, 2 से भाग किया तो यह मिला आपको 26.5 यानी 26.5। फिर L, CF, F और H, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमारे पास जो मॉडल क्लास है जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है उसकी लोअर लिमिट है 60, उसी के लिए हमारी CF वैल्यू है 22 और F है फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसकी हाईएस्ट 7 और इंटरवल है H इज इक्वल टू 10। तो ये सभी मान जब हम अपने सूत्र में रख देंगे तो हमें हल करने पर मिलेगा 66.4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो हमें मीडियन मिला वो 66.4 मिला। तो इसी के साथ ही आज की कक्षा में इतना ही हम पढ़ेंगे मोड और मीडियन के बारे में। मोड से संबंधित दोनों ही केस ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, और साथ ही मीडियन से संबंधित दोनों केस ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के बारे में हमने आज यहाँ पर विस्तृत चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ छात्रों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय समझ में आया। जी सर, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी छात्र हमसे जुड़े, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े, उन्हें स्टैटिस्टिक पार्ट सेकंड ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चन आप हमें ईमेल कर सकते हैं dth.class10@cit.nic.in। बट उसके लिए आपको यहाँ पर ये मेंशन करना होगा कि कौन से सेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आप ज़रूर लिखें। सर यहाँ पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे बच्चों को हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। और अपने सभी व्यूवर्स से हम कहना चाहेंगे कि अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन सेशन के साथ हम हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए पीएमई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।